सबसे पहले तिलहन के बारे में बात कर रहे हैं। सोयाबीन के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों में डाउनवर्ड सेंटिमेंट रहने की संभावना है और कीमतों में 3015 रुपए तक गिरावट हो सकती है, क्योंकि इस वर्ष उत्पादन में वृद्धि की संभावना है जिससे कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। मॉनसून के समय से आने के कारण इस वर्ष सोयाबीन के उत्पादन क्षेत्र में 10% बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले सीजन में कपास की खेती में पिंक बॉलवर्म के प्रकोप के कारण इस वर्ष किसानों ने कपास के बजाय सोयाबीन की खेती करना पसंद किया है। इसके अतिरिक्त क्रशिंग यूनिट की ओर से भी सोयाबीन की मांग कम हो रही है। इसके कारण यह है कि सोयाबीन की निर्यात मांग काफी कम है। सरसों के सितंबर वायदा में भी बिकवाली का दबाव आ सकता है और कीमतें 3870 रुपये तक लुढ़क सकती है। सरसों तेल और सरसों केक की मांग काफी कम होने के कारण राजस्थान के स्पॉट मार्केट में डाउनवर्ड सेंटिमेंट के साथ कारोबार हो रहा है। सरसों तेल और सरसों केक की मांग इतनी कम है कि सरसों की क्रशिंग यूनिटों की मार्जिन काफी निगेटिव हो गई है, इस कारण उनकी तरफ से मांग काफी कम हो रही है। मसालों में देखें तो हल्दी वायदा के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों में भी डाउनवर्ड सेंटिमेंट है और आगामी दिनों में कीमतों में 65-80 रुपए तक गिरावट हो सकती है। मौजूदा मानसून के दौरान हल्दी की मांग में कमी के कारण स्पॉट मार्केट में कीमतों में नरमी का सेंटिमेंट है। दूसरी ओर बेहतर उत्पादन की उम्मीद से किसान अपने स्टॉक को लिक्विडेट कर रहे हैं और तेलंगाना में बुआई समाप्त हो गई है, लेकिन तमिलनाडु में हल्दी की बुआई अभी जारी है और इस वर्ष बारिश अच्छी होने की संभावना होने के कारण सिंचाई की समस्या नहीं है, इसलिए उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। कॉटन के अक्टूबर वायदा की कीमतों में 22,740 रुपए तक गिरावट हो सकती है। स्पॉट मार्केट में कपास की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कपास की कीमतों में नरमी का सेंटिमेंट है। भारतीय किसान और कारोबारी काफी कपास की कीमतों को लेकर काफी सतर्क हैं। भारतीय कपास निगम के अनुसार 2018-19 में कपास का निर्यात पिछले अनुमान की तुलना में 30% कम होकर 7 मिलियन बेल होने का अनुमान है। इसी कारण कपास के कारोबारी और खरीदार काफी सतर्कता से बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। घरेलू बाजार में भी कपास की कीमतों में नरमी का दबाव पड़ रहा है।